उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्ष के सभी विधायक कार्रवाई से पहले सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। विपक्ष ने कहा कि सरकार सदन की कार्रवाई सिर्फ दो दिन ही चलाना चाहती है, जिसमें जनहित के मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। विपक्ष ने सत्र लंबा करने की मांग की ताकि जनहित के मुद्दे उठाए जा सके। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार केवल अनुपूरक बजट पेश करने तक ही सत्र का संचालन करना चाहती है। उन्होंने प्रदेश में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। सरकार जो नियमावली है, कार्य संचालन नियमावली और जो संसदीय परंपराएं हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, सरकार लगातार उनकी अनदेखी करती रही है। पिछले 2022 और 2023 दो दिन का सत्र मात्र 12 दिन में समेट दिया गया और इस सत्र को भी संक्षिप्त किया गया है। अनुपूरक बजट पारित हो इसके लिए यह बजट, अनुपूरक बजट लाने के लिए, पास पारित कराने के लिए आनन फानन में यह सत्र बुलाया गया है।